टू हे गुगलानी, दिस इज़ पापा सेक्शन ऑफ हे गुगलानी एंड ऑब्वियसली पापा सेक्शन में है ऑटोमेटिव सेक्शन। लॉन्ग टाइम नो सी हो गया है बिकॉज क्योंकि गाड़ियों में कुछ काम वाम नहीं हो रहा था, इसलिए आपका कोई वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज के वीडियो में हम दिखा रहे हैं, ये है टाटा नैनो, दो दो टाटा नैनो, ये अपनी वाली है। प्रॉब्लम वॉज कि ऑल्टरनेटर की बेल्ट टूट के कहीं गिर गई थी, बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। देखिए ऑल्टरनेटर की बेल्ट का प्रूफ बिल्कुल खाली है और रास्ते में गाड़ी खड़ी हो गई। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है टाटा नैनो की। आज दिखाएंगे ऑल्टरनेटर बेल्ट आपको जो चेंज हो रही है टाटा नैनो की। लेट्स गो। तो ये जो टाटा नैनो है ये भी हमारे एक जानकार की है, इसमें सेल्फ की प्रॉब्लम आई हुई है। और ये है हमारी ऑल्टरनेटर बेल्ट, वी कॉक बेल्ट कहते हैं। ऑब्वियसली ये बाहर से ली गई है तो इसकी MRP मिटाई गई है। ऑनलाइन मैंने चेक किया है 135-140 के अराउंड है, लेकिन हमें मिली है 200 रुपये की। द गुड थिंग इज़ जनवरी 2021 की पैकिंग है, बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल लेटेस्ट। कल का हमारा ये सेटअप है, कल गाड़ी ये बंद हो गई थी रास्ते में, तो मैंने ये बैटरी एक एक्सटर्नल लगा के जंप करके चलाई है एक दिन पूरा गाड़ी। इसमें हमें एक दिन हो गया था, कंसोल में बैटरी की लाइट और हैंड ब्रेक की इंडिकेशन का सिग्नल आ रहा था, तो इसका मतलब ये होता है कि जो बैटरी है उसमें पावर नहीं है। बट क्योंकि जो इसकी बैटरी है सिर्फ एक साल पुरानी है, ऑलमोस्ट एक साल भी नहीं हुआ, तो आई वॉज श्योर कि बैटरी की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मैं थोड़ा सा इसमें वरीड हो गया था क्योंकि ऑल्टरनेटर कॉन्क ऑफ तो ना हो गया हो। बट कभी भी आप लोगों के साथ टाटा नैनो में ऐसा आए तो आप नीचे झुक के देखिए, उसमें दो बेल्ट होनी चाहिए पुली पे, जिसमें से एक मिसिंग होगी तो उसका मतलब बेल्ट टूट के कहीं गिर गई है। तो मैंने सबसे पहले यही देखा था, ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं इसके साथ एक और बेल्ट होती है ऐसी दांतों वाली बेल्ट, कॉक बेल्ट दैट इज़। ये आपको अगर मिसिंग मिले तो आपका मतलब ऑल्टरनेटर चल नहीं रहा है। अब इसको बदलने का आज का प्रोसेस देखते हैं, स्टे ट्यून्ड। और एक मैं अभी बात कर रहा था अपने ब्रदर से, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो हमारी नेसेसरी आइटम्स है बेल्ट्स ये थोड़ा मिलना मुश्किल हो गया है। जो भी टाटा नैनो वाले हमारे सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर्स हैं, तो हम लोग सब सोच रहे हैं कश्मीर गेट एक दिन चक्कर लगाएं, 1000-2000 रुपये लगेंगे, सस्ती सस्ती ये चीज़ें इनको स्टॉक कर लिया जाए। बेल्ट्स हो गई, फिल्टर्स हो गए, और व्हील सिलेंडर्स के, ब्रेक के व्हील सिलेंडर्स हो गए, वो ले आके इनको रख लिया जाए। थोड़े दिन पहले ही कूलेंट का काम हुआ है पूरा, तो कूलेंट इज़ ऑल ओके। चलिए अब बेल्ट बदलते हैं। अब शब्दों का प्रयोग ना करें, वीडियो बन रहा है यूट्यूब पे डलेगा फिर ज्यादा। बेल्ट में आवाज नहीं आ रही, कोई आवाज तो नहीं आती थी, एक तो उतर ही रही थी, एक की आती थी। हाँ अंदर से हाथ डाल के खोल उसको, तो पाइप खोलना पड़ेगा। इधर है, इस तरफ से था। ये यही ना, टाइट भी करना पड़ेगा पेच कैसे? मैंने कर दिया तो टाइट कर, बोल टाइट कर देगा। क्या इधर